उबले हुए आलू लेंगे, सेंधा नमक लेंगे, जीरा पाउडर लेंगे, काली मिर्च पाउडर लेंगे, हरा धनिया बारीक कटा हुआ लेंगे, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक कप साबुदाने का आटा लेंगे। आटा लगाने के लिए हमें 1.5 कप पानी चाहिए। 1 कप आटे में 1.5 कप पानी काफ़ी है। साबुदाने का आटा कैसे बनाना है ये आप मेरी शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। मैंने आटा अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम आलू लेंगे, आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, सेंधा नमक ऐड करेंगे, काली मिर्च ऐड करेंगे, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम आटे की लोई लेंगे और इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बीच में से कटर की सहायता से कट कर लेंगे। अब हम इसमें अपना मसाला जो हमने आलू वाला बनाया था वो ऐड करेंगे। साइड में इसके पानी लगाएंगे थोड़ा हल्के हल्के से, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसको ऊपर से फोल्ड कर देंगे। देखिए हमारा मिनी परांठा बनकर रेडी है। अभी हम इसको सेकेंगे। दूसरे परांठे को भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। हेलो एवरीवन, पूजा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वर्त वाली रेसिपी। अब हम एक पैन लेंगे, उसको गर्म होने देंगे और इसमें अपने मिनी परांठे को अच्छे से सेक लेंगे। हमें इसको बहुत ही अच्छे से सेकना है और दोनों साइड से सेकना है। हम इसमें घी लगाएंगे और इसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। हमारा मिनी परांठा बनकर रेडी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट